गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो फिर आज की क्लास शुरू की जाए। कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था परावर्तन क्या है। हमने बताया था कि जब प्रकाश किसी पॉलीसार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन क्या है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे तो आराम से जो पॉइंट आपको लगे नोट करना है वो नोट भी कर लीजिएगा। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन क्या है। देखिए, कल परावर्तन में आपने देखा था कि प्रकाश एक माध्यम से आया और उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो उसको हम बोलते थे परावर्तन। अब अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की बात कर रही हो तो ऐसी जगह पर अपवर्तन की घटना होती है। जैसे ये दोनों माध्यमों को विभाजित करने की वाली एक कोई लाइन ली हमने और ये क्या है, अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। इस अभिलंब पर अगर प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये अभिलंब है, इस पर ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, जब ये आपतित किरण है तो ये कितना कोण बनाएगी, आपतन कोण आई। कितना कोण बनाया, आपतन कोण आई। तो प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इस पूरे माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया N1 है और ये जो नीचे पूरा दिखाई दे रहा है इस पूरे माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया N2 है। तो जब प्रकाश की किरण जा रही थी तो हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है, अगर माध्यम का प्रभाव ना पड़ता होता तो ये बिल्कुल ऐसे चली जाती। लेकिन जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये कैसे विचलित होगी, अभिलंब के पास आएगी कि अभिलंब के दूर जाएगी, ये बात निर्भर करती है कि माध्यम कैसा है, सघन से विरल जा रही है या विरल से सघन जा रही है। हमने इनमें से कोई एक स्थिति बना दी कि सपोज दैट ये अभिलंब की ओर आ गई, जाना कैसे चाहिए था किस तरीके से, लेकिन ऐसे ये नहीं गई है तो इसको हमने ऐसे रख कर दिया। हम विभक्ति क्यों करें, फिर गई नहीं है तो फिर काय को बनाया उधर, तो गई तो है नहीं उधर, ये कैसे आ गई है, इस तरफ आ गई है। ये क्या है आर, इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। यहाँ पर कोण आई क्या है, आपतन कोण, और कोण आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो क्या है अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और देखो अपने मार्ग से तो उस तरफ जाना चाहिए था लेकिन उधर की जगह पर ये इस तरफ आ गई, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे परावर्तन में था कि आपतित किरण और उसमें कौन सी किरण थी, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में थे, तो यहाँ पर क्या है आपतित किरण और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन पर स्थित हैं, एक ही तल पर स्थित हैं। तो क्या हमने कहा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। और दूसरा, दूसरी बात इसकी क्या हो जाएगी कि आपतन कोण की ज्या, ज्या किसको बोलते हैं, आपको पता होगा साइन को कोज्या, कॉस को और स्पर्शज्या टैन को, साइन को ज्या, कॉस को कोज्या, टैन को स्पर्शज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का
अनुपात हमेशा नियत रहता है। कैसे? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या रहता है? नियतांक। और इस नियतांक को कैसे लिखेंगे? प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसे हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये नियतांक पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है तो वन एन टू पहले से किसमें जा रही है? दूसरे में। अच्छा इसको अगर अलग अलग लिखे तो जो ये नीचे लिखा है ना टू दूसरा माध्यम जिसमें जा रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिस माध्यम से जा रही है उसको नीचे एन टू अपॉन एन वन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आर एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब जब भी कभी जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाएगा और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो जाएगा। हम लोग भी प्रकाश की तरह जैसे चलते हैं जब उबड़ खाबड़ रोड आती है तो हम लोगों का वेलोसिटी कितना भी कोई भी वाहन लिए हो लेकिन कम ही हो जाता है। और अगर अच्छी रोड आती है तो आप जिस साइकिल से डेली क्लास लेने आते हो वो भी बहुत तेज चला करके आते हैं उसका भी वेग बहुत बढ़ जाता है। तो प्रकाश भी बिल्कुल उसी तरीके से है जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा जहां पे ज्यादा दिक्कत होगी उसको चलने में उसमें उसका वेग कम हो जाता है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा हो जाता है। अब बात आती है हमने कहा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है। जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम इसका मतलब कितने हैं? दो। माध्यम क्या होते हैं? दो। एक माध्यम होता है माध्यम कितने होते हैं देख लेते हैं। माध्यम दो होते हैं एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। एक होता है सघन माध्यम इसे बोलते हैं डेंसर मीडियम इसे बोलते हैं डेंसर मीडियम और जो दूसरा माध्यम होता है वो होता है विरल माध्यम इसे बोलते हैं रेरर मीडियम। जो दूसरा माध्यम है वो कहलाता है रेरर मीडियम। एक होता है सघन माध्यम डेंसर मीडियम और दूसरा होता है विरल माध्यम रेरर मीडियम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब क्या होगा और जब विरल से सघन में जाएगी तब क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो जब प्रकाश की किरण अगर ऊपर का पूरा माध्यम सघन और ऐसे नीचे का पूरा माध्यम विरल हो तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से जा रही हो किसमें जा रही हो? सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से प्रकाश की किरण ये जा रही है और किसमें जा रही हो? सघन माध्यम में। तो जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है? आपतन कोण आई और ये है आर। ये है आई और ये है आर। अब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक निकालने के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे सवाल में दे दिया जाए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, इस तरह के सवाल आते हैं। तो हम एक क्वेश्चन अपने मन से इस तरह का करवा रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया? जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी और जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकाएगी। तो देखते हैं आप किस तरह का एक क्वेश्चन हम
लोग कर लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण के अपवर्तनांक निकाले जाए, जैसे ये क्वेश्चन आप वाले में भी दिया गया है किताब में, तो इसको हम करा रहे हैं। दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये सवाल आप वाले में दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का कैसे लिखेंगे, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक दिया है उन्होंने कि 3/2 है, और फिर दिया है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका, जल का अपवर्तनांक। तो एयर के रेस्पेक्ट में जब वाटर का अपवर्तनांक दिया है तो कितना दिया है, 4/3। तुमसे पूछे हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, तुमसे पूछे हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, जिसके सापेक्ष कहे उसको ऊपर लिखे हैं और जिसका कहे उसको नीचे लिखे हैं। तो जल के सापेक्ष, तो वाटर के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू को ऊपर लिख दिए हैं, और किसका पूछे हैं वो, कांच का अपवर्तनांक, तो एम, और किसका, ग्लास का। अब इसका सूत्र भी हमने बताया था जब 1 और 2 लिखा था, कि जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिखा और जो ऊपर लिखा है उसको हमने नीचे लिखा, और इसके बाद जो मान दोनों में बराबर था उसको यहाँ पर लिख दिया, क्या था, एयर। तो यहाँ पे भी हमने एयर लिखा, यहाँ पे भी हमने एयर लिख दिया। अब ए एन जी कितना दिया है, 3/2, और ए एन डब्ल्यू कितना दिया है, 4/3, तो ये कितना आ जाएगा, 9/8। अच्छा अगर इसको पलट के वो पूछ दे, जैसे पूछे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगर वो पूछ दे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अगर वो पूछ दे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष पूछा है ना, तो ग्लास के रेस्पेक्ट में किसका, कांच के सापेक्ष जब जल का पूछे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर ऐसे रख कर दे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का। तो इसको पलट देंगे, ये 9/8 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 8/9, और ये फॉर्मूला भी अगर चलेंगे तो ये पलट जाएगा। अच्छा जो हमने कहा था कि आप लोगों को जो क्वेश्चन ना आए आप मॉडल पेपर जो कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो तो मैं भेजते जाइएगा, कल कुछ क्वेश्चन आए हुए थे तो उन सारे क्वेश्चन का हम अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे, क्योंकि इसमें कुछ लोग लगातार पढ़ रहे होंगे तो उनको दिक्कत ना हो, उन सारे क्वेश्चन की वीडियो हम एक साथ दे देंगे। तो आप लोग और भी क्वेश्चन भेजते जाइएगा, जितने क्वेश्चन आए हैं उनको हम एक साथ बता देंगे, आज कल परसों जब भी समय मिलेगा तो उन क्वेश्चंस का वीडियो हम आपको अलग से दे देंगे। थैंक्स आज का पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए, और बहुत मन से पढ़ाई के लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को देना है। क्वेश्चन फिजिक्स की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, जितने प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तुरंत फोटो खींचिए और हमारे मैसेंजर पर भेज दीजिएगा।